नमस्कार, आज नई न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है राष्ट्र धर्म में। लेकिन शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आई है। कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़े निर्देश दिए हैं, बड़े आदेश जारी किए हैं। 3 महीने में अपने और अपने परिवार की संपत्ति को सार्वजनिक करने के आदेश दिए गए। इस वक्त की बड़ी और ये महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर बता दें कि समस्त चल अचल जो संपत्ति है उसको सार्वजनिक करने की बात कही गई। तमाम जो बातें लगातार लंबे समय से चल रही थी भ्रष्टाचार को लेकर, कि भ्रष्टाचार को लेकर हम काम कर रहे हैं, और अब ऐसे में सीधे तौर पर यह बड़ा फैसला यहां पर आज की कैबिनेट में हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह आदेश जारी किए कि समस्त चल अचल संपत्ति जो है वो अब आपको सार्वजनिक करनी होगी। साथ में आईएएस आईपीएस अधिकारी उनको भी आदेश जारी किए गए हैं। यह बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आर नाइन न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। और इसके साथ ही तमाम तरह की जो बातें लगातार कही जा रही थी कि अब योगी सरकार भ्रष्टाचार को लेकर एक कड़े और रुख कदम उठा रही है, उनमें से एक कदम यह माना जा रहा है। लेकिन के साथ ही पूरे देश में अब 2024 से पहले बीजेपी एक और नए रंग में नजर आ रही है। एक अलग तरह का माहौल बनाया जा रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। एक माहौल बनाने की कोशिश चल रही है। सुप्रीम कोर्ट भी इसको लागू करने की बात कह चुका है। लेकिन सियासी पंडित जो मान रहे हैं इसको लेकर मानते हैं कि इसमें राजनीतिक अड़चन आ रही है, और जो सीधे तौर पर जो राजनीतिक दल हैं वो नहीं चाहते कि इसको लागू किया जाए क्योंकि उनकी वोट बैंक जो है वो खतरे में पड़ सकता है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी ने शुरू की 2024 की तैयारी। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बारी। जल्द आएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद अब बीजेपी 2024 की तैयारी में जुट चुकी है, और इस बार बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर दांव खेलने की तैयारी में नजर आ रही है। उत्तराखंड के विधानसभा चुनावों से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर वादा किया था, और सरकार बनने के बाद कमेटी का गठन भी किया, और तो और बाकी राज्यों को भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आगे बढ़ने की अपील की। हमने चुनाव से पहले एक संकल्प लिया था आप सबके सामने कि हम नई सरकार के शपथ ग्रहण होते ही उत्तराखंड के अंदर सभी लोगों के लिए, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, किसी संप्रदाय का हो, सबके लिए हम एक समान कानून लाएंगे, समान नागरिक संहिता उत्तराखंड के अंदर हम लागू करेंगे। और उस काम की हमने शुरुआत कर दी है। पहला हमने जो अपना मंत्रिमंडल की पहली बैठक करी थी, उस बैठक में हमने सर्वसम्मति से इसको पारित कर दिया है। धामी से पहले ही असम में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर काम चल रहा है, और अब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इसके प्रयोग की तैयारी में नजर आ रहे हैं। और तो और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दावा कर चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर गंभीरता से विचार हो रहा है। अगर सबका साथ सबका विकास, सबके लिए एक जैसा कॉमन सिविल कोड, ये तो एक ऐसी चीज है जिसका सबको मांग करनी चाहिए, सबको स्वागत करना चाहिए। लेकिन हर जगह जब वोट बैंक तलाशता है व्यक्ति, तो निश्चित तौर से उसके सामने तुष्टिकरण की राजनीति दिखाई देती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश इस पर विचार करने की पूरी तरह से तैयारी में है, और इस दिशा में निश्चित तौर से माननीय गृहमंत्री जी की भावना को भी ध्यान में रख करके, और वैसे भी न्याय की दृष्टि से भी जो भेदभाव है उसको खत्म करेंगे हम लोग। केशव प्रसाद मौर्य ही नहीं, अब खुद बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह भी बीते दिनों यूनिफॉर्म सिविल कोड पर संकेत दे चुके हैं। सीएए, राम मंदिर, अनुच्छेद 370 और ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों पर फैसले हो चुके हैं, और अब बारी यूनिफॉर्म सिविल कोड की। लेकिन विपक्ष ने अभी से इस मुद्दे को चुनावी शिगुफा बता दिया। देखिए, ऐसा है कि जब चुनावी सरगर्मी गर्माती है तो भाजपा नए नए शगुफे छोड़ती है। उसमें से एक ये शगुफा मैं मानूंगी ये है, मुझे लगता है यूसीसी राज्यों का अधिकार है, गोवा में दशकों से लागू है, और जो संविधान की सहमति से बनाया जाएगा उससे हमें भी कोई आपत्ति नहीं है, मंजूरी है।
यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पहली बार चर्चा नहीं हो रही है, बल्कि इससे पहले कई बार जमकर चर्चा हो चुकी है और सियासत भी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की जरूरत बता चुका है। लेकिन सियासी पार्टियां वोट बैंक के आगे नतमस्तक नजर आ रही हैं। लेकिन 2024 से पहले बीजेपी का ये प्लान कितना कामयाब होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज। तो 24 से पहले एक माहौल बनाने की कोशिश चल रही है, शायद यही वजह है कि कई राज्यों में इसको लेकर चर्चा चल रही है। और आज राष्ट्रीय धर्म में हम भी इसी मुद्दे को लेकर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ शमशी आजाद जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर R9 न्यूज पर। अभिषेक वाजपेयी जी जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर R9 न्यूज पर। हमारे साथ गोविंद नारायण शुक्ल जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर R9 न्यूज पर। और सबसे पहले शुक्ल जी, मैं आप ही के पास पहुंच रहा हूं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अगर आप जनता को समझाने की कोशिश करें, लोगों को समझाएं, तो क्या आप कहेंगे, क्या यह है और क्या आखिरकार जो बाधा है इसमें लागू करने में, क्यों इस पर यह सियासत होती है, क्यों आखिरकार वजह होती है कि यह अक्सर चर्चा में तो आता है लेकिन लागू नहीं हो पाता? देश की आजादी के बाद आज तक जो है 72 सालों से जी, जिनकी लाइबिलिटी थी, जिनकी जिम्मेदारियां थी, ये कॉमन सिविल कोड पहले ही लागू करना चाहिए था। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अपनी एक सेंस थी, समान नागरिक संहिता, समान विचार, समान आचार और समाज में जीने की कला और सबको आगे बढ़ने की क्षमता जो बाबा भगवान ने समाज के हर लोगों को दिया था। राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने हित के लिए इस तरीके से जो है इसको नजरअंदाज करके बहुत समय तक इसको बनाए रखा, ये भ्रामक रहा है। आज के वर्तमान समय में अगर कोई सरकार इस संबंध में सोच रही है तो यह बड़ा सराहनीय कदम है, ये होना चाहिए। ये इस प्रकार से अगर ये कार्य हो, शुक्ल जी, क्या संविधान इजाजत देता है? हाँ, संविधान में व्यवस्था बाबा साहब ने खुद ही दिया है, समान नागरिक संहिता की व्यवस्था खुद ही दिया है। हर आदमी को अपनी बात कहने का, हर आदमी को समाज में जो लोग जी रहे हैं, बराबरी का दर्जा, दोयम दर्जे का दर्जा क्यों दे रहे हुआ? सबको सेम अधिकार है। जब समान नागरिक संहिता है, समान व्यवस्था है, समान अधिकार है, सबको पाने का, तो अलग से इसमें अलग से अधिकार क्यों दिया जा रहा है जी? कानून को इग्नोर क्यों किया जा रहा है? कानून को क्यों दबाया जा रहा है? ठीक है सर, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही सर। आजाद हम बार के अध्यक्ष होने के नाते जी, हम लखनऊ बार में 40,000 वक्तवाताओं के अध्यक्ष होने के नाते मैं समाज के सब लोगों को एक बात कहूंगा, जब समाज में बराबर संहिता है, समाज में बराबर जीने की कला है हर को, तो किसी को इग्नोर और दबाया कर, जो समाज में दबाए गए हैं, कुचले गए, पछाड़े गए हैं, पिछड़े गए हैं, उनको भी अगर समान नागरिक संहिता में उनको रखा जाएगा तो वो भी आगे उन्नति करेंगे और उससे देश का उत्थान होगा। इसमें किसी को लड़नी क्यों चाहिए और सभी के लिए होना चाहिए, के लिए जरूरी है। ठीक है सर शुक्ला जी, मैं फिर से बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आजाद जी आपके पास मैं पहुंच रहा हूं, क्या वाकई में बीजेपी इस पर काम कर रही है या फिर सिर्फ माहौल बनाने की कोशिश हो रही है? माहौल अच्छा बना तो करेंगे वरना चुप्पी साधेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का, बहुत ही अहम मुद्दा इस वक्त आपने उठाया है और दिन प्रतिदिन आपका चैनल प्रसिद्धि भी पा रहा है, जनता के बीच में इसको सराहा भी जा रहा है। कहना ये चाह रहा है कि देखिए, सिविल कोड जो है ये बहुत अच्छी पहल है, भारतीय जनता पार्टी इस पर लगातार विचार कर रही है और ये ऐसा नहीं कि जब चुनाव आता है तभी इस मुद्दे को उठाया जाता है, लगातार इस पर जब कहीं पर भी कोई बात होती है, घटना कोई घटती है तो भारतीय जनता पार्टी इसको प्रमुखता से उठाती है कि एक ड्रेस होना चाहिए जिसमें कोई फर्क ना हो, ना कोई छोटा दिखाई दे ना कोई बड़ा दिखाई दे, इस पर लगातार काम किया जा रहा है। और हमारे ख्याल से 2024 के पहले आप देखेंगे कि इस पर बाकायदा एक कानून बनकर आएगा और उस कानून का पालन भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से कराएगी, बहुत मजबूती के साथ कराएगी। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा एक नारा दिया, सबका साथ सबका विकास, और अब जो इसमें इम्प्लीमेंट किया गया वो है सबका विश्वास। तो भारतीय जनता पार्टी में सभी धर्मों का, सभी जाति, सभी बिरादरी का लगातार विश्वास बढ़ता जा रहा है और ये इस बात का सबूत भी है कि दोबारा से केंद्र में सरकार और दोबारा से उत्तर प्रदेश में सरकार, या जहां कहीं भी चुनाव हुए हैं, 5 स्टेटों में अगर चुनाव हुए तो जिसमें 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने का ये मतलब है कि पूरा हिंदुस्तान जो है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के साथ है और उनके किए जा रहे कार्यों की सराहना। आजाद जी, एक बात कही जा रही थी कि कांग्रेस क्या कहती है, कांग्रेस ये कह रही है कि देखिए ये शगुफा है चुनावों से पहले, लेकिन ये ध्यान भटकाने का एक मंत्र है, बढ़ती महंगाई पर,
बढ़ती बेरोजगारी पर लगातार लोग परेशान हैं, लेकिन बीजेपी चाहती कि लोगों का ध्यान भटकाया जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का बहुत साफ और सुथरा उद्देश्य हमेशा ये रहा है कि विपक्ष क्या कह रहा है हम इसकी परवाह नहीं करते हैं, और हम ये काम करते हैं कि जनता का इस पर क्या असर पड़ रहा है, जनता हमारा कहाँ तक साथ दे रही है, जनता का इसमें किस तरीके से लाभ हो रहा है, किस तरीके से जनता सुरक्षित है, हम इस पर काम करते हैं। हम विपक्ष की ये दखलअंदाजी बातें और उनकी जो है शगुफा है, तो ये उनके लिए शगुफा होगा जिसका न कोई नेता है न कोई संगठन है। आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आने हैं और यहाँ पर उनका कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं है। ऐसे कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर उनका प्रदेश अध्यक्ष तक नियुक्त नहीं है, किसका चेहरा लेकर वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे उनके यहाँ तय नहीं है। तो ऐसी पार्टी के बारे में हम कुछ कहना भी सोचते हैं कि समय को व्यर्थ करना है, इसलिए कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बसपा और उनके जो भी संगठन है हम उनकी परवाह नहीं करते, हम अपने देश की परवाह करते हैं, हम जनता की परवाह करते हैं, हम उनका विश्वास जीतने की कोशिश करते हैं। चलिए ठीक है, आप परवाह नहीं करते विपक्ष की, लेकिन आपको अपने जो मुद्दे हैं उनको लागू करने की आप बात कर रहे हैं। लेकिन सीधे तौर पर अब मैं देखिए आगे बढ़ रहा हूं, समाजवादी पार्टी आखिरकार इसको लेकर क्या सोच रही है? अभिषेक वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी से, आपका स्वागत है सर आरएनआई न्यूज पर। वाजपेयी जी, समाजवादी पार्टी साथ है या अलग खड़ी है या सवाल पूछ रही है, कहां पर है? देखिए मोहित जी, सबसे पहले तो मैं बड़ा आभार व्यक्त करता हूं हमारे भाई शमसी जी का जी, जो उन्होंने कम से कम माना कि उनके लिए जनता के मुद्दे प्रमुख नहीं है। अभी आपने बोला कि मैं कांग्रेस पार्टी को लेकर कि जो मुद्दे हैं बाकायदा महंगाई के मुद्दे को लेकर के और भी चीजों को लेकर के, तो अभी हमारे भाई ने बोला इस चीज को कि वो इन सब चीजों की परवाह नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने एक बात जरूर और बोली कि जनता की परवाह करते हैं। अरे साहब, अगर जनता की आप परवाह करते तो आप महंगाई पे बात कर रहे होते, अगर आप जनता की परवाह करते तो इन दिनों जो बेरोजगार लोगों में से कई सारे लोग आत्महत्या किए उनके बारे में आप बात कर रहे होते, अगर आप जनता की परवाह कर रहे होते जो 3 महीनों में तकरीबन 17 बलात्कार हो गए हैं उनके बारे में आप जिक्र कर रहे होते, अगर आप जनता की परवाह कर रहे होते तो आप उन लोगों के बारे में भी बात करते जो यूपीएसआई में जो जिस कंपनी ने धांधली की, जो ब्लैकलिस्टेड हो चुकी थी 6 स्टेटों में, आपने उसको वापस 2021 में परीक्षा उससे दिलवाई और लोगों जनता के जो बच्चे हैं, मतलब अर्थात जनता जिन्होंने आपको वोट दिया है उनके बारे में भी सोच रहे होते, जो बाकायदा धांधली कर दी गई, 8 मार्क्स पाने वाला 153 मार्क्स पा गया, वो कहां से हुआ या किसी को पता नहीं है, उनके बारे में परवाह कर रहे होते हैं। लेकिन मोहित जी, जैसा कि आपका प्रश्न है, मैं हमारे बड़े भाई शुक्ला जी से भी जानना चाहूंगा, मुझे जानकारी थोड़ी कम है कानून के बारे में। जैसा कि संविधान में लिखा हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला हुआ इस चीज को कि अगर कोई भी सिविल जो भी चीजें लागू कर दी जाती हैं, जो भी कोई कानून बनाए जाते हैं, तो उसमें सिविल ड्रेस कोड में आप देखिए कि इन चीजों पे दिया हुआ कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी कानून से अगर इत्तेफाक नहीं रखता है तो उस जगह राज्य सरकार उस चीज को इंप्लीमेंट नहीं करा सकती जी। नंबर एक, बिल्कुल मैं जानकारी लेना चाहूंगा इस पे, बिल्कुल। नंबर दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इनकी मनसा शमसी जी की इतनी अच्छी है तो लगभग राज्यों में इनकी सरकार है तो क्यों नहीं अभी तक उस पर इम्प्लीमेंट करा पाए, के बारे में तो करा चुकना चाहिए था। 7 सालों से केंद्र में इनकी सरकार, 7 सालों से ज्यादा 8 सालों से हो चुके हैं तकरीबन इनकी सरकार चल रही है, तो अभी तक क्यों नहीं इन्होंने काम कर दिया था? जब 2024 आने वाला है तब ये क्यों इस तरीके से बातें कर रहे हैं? और आज इनके वो लोग कहाँ चले गए जो महंगाई के नाम पे कहते थे कि वो केंद्र के मंत्री गद्दार है और वो चाहते नहीं है कि जनता के लिए काम हो? तो आज मैं पूछना चाहता हूँ शमसी जी से भी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को कौन सी संज्ञा दी जाए, इसके बारे में बताएं। नहीं, देखिए आपने बहुत सारी बात कही वाजपेयी जी, देखिए बहुत सारी बातें आप कही, आपने कई सवाल भी पूछे, शुक्ल जी उसका जवाब भी देंगे, लेकिन मेरा सवाल का जवाब सर, समाजवादी पार्टी साथ में है खिलाफ में है, सवाल पूछनी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर पेश किया जाता है आप कहां होंगे, आप कहां खड़े होंगे? देखिए हम बिल्कुल जनता के हित में जो भी चीजें, हम जनता के साथ खड़े हैं, चाहे सरकार किसी की भी हो, जनता के फेवर में अगर बात है तो हम बिल्कुल जनता के साथ में खड़े होंगे, सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में है, जनता के पक्ष में है। मैं प्रश्न वापस से वही दोहरा रहा हूँ कि अगर संविधान में भी लिखा हुआ है और नियमावली में भी लिखा हुआ, सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज को कहती है कि अगर किसी के अधिकारों का हनन होता है
तो वह राज्य या वह मुख्यमंत्री या कोई भी व्यक्ति उस चीज को लागू नहीं कर सकता है। नहीं नहीं सर, अभी भी देखिए आप बीच में फंसा रहे हैं। आप या तो ये बताइए कि देखिए ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लोगों के लिए ठीक है, या फिर आप ये कहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड गलत है। आप कह रहे हैं अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, आप एक पॉइंट तो कम से कम दीजिए सर। पॉइंट मैंने कहा किसी बात को, मैं तो इस बात को कह रहा हूं कि जो जनता के अधिकारों के लिए होगा हम उस चीज में साथ खड़े हुए हैं। चलिए ठीक है, जनता के अधिकारों की आप बात कर रहे हैं, जनता के अधिकारों की आप बात कर रहे हैं, लेकिन कहने से या शमशी जी के कहने से या शुक्ला जी के कहने से किसी और पार्टी के कहने से नहीं कहूंगा, लेकिन जो जनता की बात होगी हम बिल्कुल उसको कहेंगे। चलिए ठीक है, बहुत बेहतर। शुक्ल जी आपके पास मैं पहुंच रहा हूं, दो सवाल उन्होंने पूछे कि जो कोर्ट को लेकर उन्होंने बात कही और साथ में ये भी बताया कि ये तो अधिकार देखिए सेंटर का है, ये राज्य सरकारें इसको लेकर चर्चा कर रही हैं। उत्तराखंड में हमने देखा कि वहां पर एक कमेटी का गठन कर दिया, अब केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि गंभीरता से विचार चल रहा है, मध्य प्रदेश में गृह मंत्री क्या कुछ कहकर आए, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, असम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, लेकिन क्या ये राज्य का विषय है? नहीं, ये विषय तो जो है ये तो केंद्र सरकार का विषय है, लेकिन जो है ये हो सकता है कि ट्रायल हो, हो सकता कि ये ट्रायल हो राज्यों से शुरू करके केंद्र की मंशा के विपरीत हो, कई राज्य कितने लोग सहमत है तो अभी तो ये बताए। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि इतने वर्षों तक तो कांग्रेस भी थी, क्यों नहीं किया, कौन रोक रहा था इनको? समाजवादी भी स्टेट में थी, कर सकती थी, कौन इनको रोक रहा था? बीएसपी भी थी इतने समय तक, जो है कौन रोक रहा था इनको? ये लोगों की मंशा नहीं थी, अगर कोई काम हो रहा तो कम से कम जनहित में काम हो रहा सब एक दूर से सबकी मदद करनी चाहिए कि अच्छा काम हो, समाज में हर आदमी को जीने का अधिकार है, समाज में हर आदमी को आगे का बढ़ने का अधिकार है, अपनी बात रखने की जरूरत है, कानून सबके लिए बराबर है, ये सब व्यवस्थाओं के अनुकूल होना चाहिए। अगर इसमें कोई राजनीतिक पार्टी अपना नफा नुकसान देख रही है तो वो अपने तरीके से वो गलत कर रही है। वाजपेयी जी अभी बोल रहे थे जो है ये हमारे समय में, ये भी तो लंबे समय तक जो है सत्ता में रहे, क्यों नहीं किए इनको, कोई रोक रहा? लेकिन आप इस तरीके से जो सिर्फ माहौल बनाने की कोशिश हो रही है शुक्ल जी, सिर्फ माहौल कोशिश हो रही है कि माहौल बन गया तो इस पर अच्छे से खेलेंगे पारी गोल कर। मैं बहुत माहौल जब बन जाएगा तो माहौल बन। शुक्ला जी से पूछना चाहता हूँ क्योंकि सबसे बड़े एडवोकेट भी हैं और बहुत सारे लोग इनको जानते हैं, बहुत सारे फॉलोअर्स भी इनके हैं क्योंकि बार के अध्यक्ष भी हैं मौजूदा समय में। मैं बड़े भाई से ये पूछना चाहता हूँ कितनी बार इन्होंने सरकार के खिलाफ धरना दिया या कितनी बार प्रखरता से कहा कि वाजपेयी जी प्लीज देखिए, नहीं नहीं ये काम आपका सर, ये काम आपको इसकी जिम्मेदारी जनता ने सौंपी है। हमारा आज की जो कोशिश है सर, हमारी कोशिश ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हम समझ सके कि कौन साथ है कौन खिलाफ है, क्या ये जरूरी है, क्या ये अभी जरूरी है? दो दिन पहले मैं बाकायदा प्रदर्शन पे था, मेरे पास प्रमाण है, बाकायदा पेपरों ने इसको छापा भी था, ठीक है, मैं स्वयं था, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात, जितनी चीजें जैसे जैसे कि अभी शुक्ला जी ने बड़ी बातें की, वो जाहिर से बात है भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित हो या किसी और पार्टी से प्रभावित हो, कोई जरूरत नहीं है, ये लंगड़े आपका गलत है, आपने जरूरत नहीं है, आप अपने शब्द वापस लीजिए, आप अपने शब्द वापस लीजिए, गलत शब्द है, आप लोगों की बात, ये एलिगेशन लगाना, आप लोगों की बात करें, अरे सत्ता में बात करें, ये आपका ही दायित्व है, हमारे साथ सत्ता में आप बैठे हो, सत्ता का मजा आप लोगे, हमारे लिए क्यों बात कर रहे हो भाई? चलिए ठीक है, सत्ता में बैठोगे आप, सत्ता का आनंद आप लोगे, साथी वकीलों के पेट्रोल के चक्कर से कितना दिवाला जी, निकल रहा है, आपने इसके बारे में चर्चा की? वाजपेयी जी चर्चा यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर है कि सरकार क्या वजह है कि समाजवादी पार्टी हमारे देखो हमारे वकील सब अपना हाल रात समझते हैं, उनके हिसाब से आएगा। ये सवाल है सर, हम इस पर बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। आजाद साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वाजपेयी जी ठीक है, आजाद साहब आपके पास मैं पहुंच रहा हूँ, क्या माहौल बनाने की कोशिश है? और सवाल जो बार बार देखिए जो पूछे जा रहे हैं, वाजपेयी जी ने पूछे उनका भी जवाब सर, ठीक है वाजपेयी जी अभिषेक जी थोड़ा सा धैर्य रखे, मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए समाजवादी पार्टी चिंता ना करें, मानसिकता
समाजवादी पार्टी अपनी को वाजपेयी जी को जो है बहुत वो है, तो ये सुन ले किसी पे एलिगेशन ना लगावे, अपना देखेंगे। ठीक है ठीक है, अपने अंदर झांक तो नहीं है वाजपेयी जी से, हम जवाब ले लेंगे। ठीक है ठीक है, शुक्रिया जी। वाजपेयी जी ने अपनी बात अपना अंतर मंथन नहीं किया। आजाद जी अपनी बात रख रहे हैं, उनके पॉइंट को रखने दीजिए, उसके बाद मुझे आगे बढ़ना है वाजपेयी जी के पास में। जवाब दे रहा हूँ शुक्ला जी का भी और उनका भी जवाब दे रहा हूँ। शुक्ला जी हमारे सीनियर वकील हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ और उन्होंने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने किसी का पक्ष लेने वाली कोई बात नहीं की, उन्होंने राष्ट्र हित की बात की, देश हित की बात की है और उन्होंने किसी भी पार्टी का कोई सपोर्ट नहीं किया है। रहेगी बात अभिषेक वाजपेयी जी का, बहुत सीनियर है, बहुत सम्मानित कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी के, लेकिन हमको लगता है कि इनके बयान में जो बहुत ही अजीब सी परिभाषा दिखाई देती है कि ये सब पर आरोप लगाने का काम सिर्फ करते हैं। कभी समाजवादी पार्टी ने देश हित की राष्ट्र हित की बात ही नहीं की और हमेशा सिर्फ बेबुनियाद और गलत तरीके का इल्जाम लगाने की बात की, जैसा कि अभी आपने देखा कि शुक्ला जी को उन्होंने सिरे से कह दिया कि आप भारतीय जनता पार्टी के फॉलोअर हैं, कि जनता के हित में होगा वो साथ खड़े होंगे। सवाल मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या उत्तर प्रदेश में देश में बेरोजगारी महंगाई की समस्या खत्म हो गई है? जो लोग परेशान हैं, क्या वो परेशानियां खत्म हो चुकी हैं? मेरा सवाल ये है कि क्या ये वक्त की जरूरत है, ये अभी की जरूरत है या 24 से पहले आप 24 को फतेह करने के लिए इस पर माहौल बना रहे हैं? 24 को हम फतेह करेंगे, 24 हमारा लक्ष्य है और 24 को हम निगाह में रखे हुए हैं। हम जो भी काम कर रहे हैं इस वक्त देश की रक्षा के लिए कर रहे हैं, देश हित में राष्ट्र हित में हमारा काम है और 24 की बात रहेगी, 24 को हमको कौन रोक सकता है? हमने जनता के बीच में काम किया, जनता हमारे साथ है, जो भी राष्ट्रवादी है, जो भी देशवादी है, जो भी देशभक्त है, वो सब हमारे साथ है। 2-4-5 लोगों की हम गिनती ही नहीं करते हैं। विपक्ष की बात रह गई तो अभी विपक्ष में आप देख सकते हैं कि विपक्ष में कहीं पर कोई जनाधार उनके पास नहीं बचा, उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, उनके पास समर्थन नहीं बचा है। उनकी बातों को विपक्ष कहां पर है कहानी वो छोड़िए, आप ये बताइए कि क्या ये वक्त की जरूरत है, क्या ये आज की जरूरत है? आज क्या सबसे महत्वपूर्ण काम आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड ही बाकी बचा है? नहीं नहीं, जरूरत है तो विपक्ष मुद्दा बना रही ना, हम थोड़ी बना रहे हैं मुद्दा इसकी। चर्चा आप कर रहे हैं सर, मुद्दा बना रही है, चर्चा आप कर रहे हैं। आपके डिप्टी सीएम ने कहा कि गंभीरता से विचार चल रहा है, तो क्या उत्तर प्रदेश में रोजगार की महंगाई की सब परेशानियां खत्म हो गई? अच्छी बात है ना, ये तो बहुत अच्छी कोर्ट का सम्मान करते हैं और स्वागत करते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा सोचा है तो बहुत अच्छी बात है भाई, एक ड्रेस होना चाहिए जिसमें किसी का फर्क नहीं होना चाहिए और ये बहुत अच्छी बात है। बहुत पहले इस कानून को आ जाना चाहिए था, पिछली सरकारों ने नहीं किया, वो उनकी मंशा रही होगी, वो दर की वजह से नहीं किया होगा, उनकी सत्ता चली जाए, सियासत चली जाएगी उनकी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो भी फैसला लिया है वो बहुत मजबूती के साथ फैसला लिया है और वो राष्ट्रहित में बहुत मजबूत रहा है। चलिए ठीक है, वाजपेयी जी अपनी बात रखिए। देखिए वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जनता के हित के लिए, जनता के लिए है, एक समान जब कानून होगा पूरे देश के सभी लोगों के लिए, एक समान होगा, लोगों के लिए होगा, देश के लिए होगा, राष्ट्र हित में होगा, ये बात वो कह रहे हैं। जनता पार्टी और जो है वो एक एजेंडा सेटर पार्टी है, 7 से 8 साल उनको आ गए हैं और अभी तक उनको इसकी चिंता नहीं हुई थी, अब चिंता हो रही है, बढ़िया, देर से जागे, अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन आपको इससे भी जरूरी चीजें जो हैं उन पे भी काम करना जरूरी है। आपको महंगाई पे भी बात करनी पड़ेगी, देश की अर्थव्यवस्था जो डूब रही है, जो देश के ऊपर 128.41 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हो गया है, उसको कैसे उतारा जाए, आपने उसके बारे में भी चर्चा नहीं की। प्रदेशों के ऊपर कितना कर्जा बढ़ गया है, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो 6,27,000 करोड़ रुपए का कर्जा हो गया है, ये कैसे उतारा जाए इसके बारे में चर्चा नहीं हो पा रही है। अगर तकरीबन देखा जाए तो देश में हर एक व्यक्ति, मैं हो गया, शुक्ला जी हो गए, शमसी जी हो गए, आप हो गए, हर किसी के ऊपर 98,973 रुपए का कर्जा हो गया है। बिल्कुल, इसको कैसे उतारा जाए जी, क्या जरूरी है कि कोई और चीजें जरूरी है? अब महिलाओं को या किसी और लोगों को सुरक्षा कैसे मुहैया कराए, यह जरूरी है कि कुछ और चीजें जरूरी है? हम कैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के भाईचारे को लेकर के हम आगे बढ़े, प्रदेश की और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करें, ये जरूरी है कि कुछ और चीज है? अब वाजपेयी जी देखिए, दो तीन सवाल देखिए, अब इसमें आपने देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात रखी, बहुत अच्छे बिंदु आपने वाजपेयी जी रखे। अब सवाल सर ये कि आखिर क्या इन्हीं बातों को लेकर हम तब तक करते रहेंगे,
इन परेशानियों को लेकर हम कब तक अटके रहेंगे, कब तक अटके रहेंगे सर? जो परेशानियां लंबे समय से लंबित है उनका समाधान कम से कम कर दिया जाए। प्रधानमंत्री मोदी को आपने सुना होगा, वो लगातार कहते हैं कि 370 हट जाएगी तो ये हो जाएगा, राम मंदिर पर फैसला आ जाएगा तो ये हो जाएगा। तो ये समाधान अगर एक होने की कोशिश में हो रहा है तो होने दीजिए इसको। अभिषेक वाजपेयी जी से पूछना चाहता हूँ, वाजपेयी जी से मेरा सवाल, मैं आ रहा हूँ आजाद जी बिल्कुल, बस एक पॉइंट मेरे को इसका जवाब मिल जाए सर। वाजपेयी जी आपके पास पहुंच रहा हूँ, सवाल सर यही था कि जो चल रहा है होने दीजिए, जो विवाद है इसको खत्म होने दीजिए। 370 को लेकर जमकर राजनीति हुई, राम मंदिर को लेकर जमकर सियासत हुई, कितने चुनाव आए गए जमकर चर्चा की गई, अगर ये विवाद भी खत्म हो जाएगा तो बात फिर रोजगार को लेकर करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है मोहित जी, ये बात बिल्कुल ठीक है, मैं आपके बात से बिल्कुल सहमत हूँ, जो विवाद है उनको खत्म होना चाहिए। लेकिन शायद मुझे लगता है कि आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको सैलरी मिल रही है, लेकिन जितने लोग बेरोजगार हैं उनसे पूछिए, उनके माँ बाप से पूछिए, जिन्होंने कर्जा लेकर के अपने बच्चों को पढ़ाया है, दुकानें मकान बिके सर, बिल्कुल चीज के बारे में भी उससे पहले चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि विवाद चलता रह सकता है लेकिन लोग जो बेरोजगार होकर के उनके उनके परिवार के सदस्य या वो लोग जो आत्महत्या कर रहे हैं उनके परिवार से पूछिए उनकी पीड़ा क्या होती है, वो मैं समझ सकता हूं, क्योंकि मैं 2 दिन पहले भी प्रदर्शन में गया था, वहां पे उनमें से 2 बच्चों ने आत्महत्या कर ली। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, बाकायदा इस चीज को हमारे पास सब जानकारी आ रही है, एम्बुलेंस कर्मचारी खुद बता रहे हैं हमसे, बिल्कुल लगातार लोग जुड़े हुए हैं, वो बता रहे हैं कि क्या हालात हैं, क्या स्थिति है, किस तरीके से उनको निकाला गया, उनकी दुकान बिक गई, उनकी मकानें बिक गई, उनके खेत बिक गए। लेकिन मैं अब आजाद जी आपके पास पहुंच रहा हूं, देखिए उन्होंने कहा कि आपको बात करनी थी कि कोरोना को लेकर जो हालात खराब हो रहे हैं पहले उसको बेहतर कर लिया जाए, जिनकी नौकरी चली गई उनके लिए कुछ सुधार कर लिया जाए। आप बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की और कर भी रहे तो देरी क्यों, इतने लंबा वक्त क्यों लिया? अभिषेक वाजपेयी जो है हमारे ख्याल से अपडेट नहीं रहते, अभी कल ही मुख्यमंत्री और शासन की तरफ से ये खास निर्देश दिया गया कि सभी अस्पतालों में अगर कोई मरीज वापस भी किया जाता है तो उसकी सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी, कहीं भी अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाता है तो उसकी सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। और आज भी मंत्रिमंडल में देखिए कितने बड़े बड़े फैसले किए गए, अभी कल ही परसों जो एक नया फैसला आया कि जो अवैध जो है टैक्सी स्टैंड चल रहे हैं, जो जाम से समस्या हो रही है उसको निजात करने के लिए, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एम्बुलेंस चालक पर क्या फैसला हुआ सर, फुल एक्शन मोड में है। और आप यकीन जानिए 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी, 97,000 शिक्षक अभ्यर्थी, 6,800 वो लोग जो लगातार नौकरियों के लिए धक्के खाने को मजबूर है, लखनऊ में धक्के खा रहे हैं सर। आप बात सुन ले, पहले बात पूरी होने दीजिए, तो इस बार आप देखेंगे कि 100 दिन का लक्ष्य जो रखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, कल उसका 1 महीने का कार्यकाल समाप्त हुआ था, तो आज मंत्रिमंडल की बैठक में उन्होंने अपने IAS IPS ऑफिसरों और मंत्रियों को सभी को ये निर्देश दिया कि वो अपनी संपत्ति का भी ब्यौरा दे। तो ये सारी चीजें लगातार उत्तर प्रदेश में की जा रही है, ये एक बहुत बड़ी मिसाल है, इसको दिखाने से समाजवादी पार्टी का कुछ होना नहीं है, समाजवादी पार्टी के पास सिर्फ यही रह गया है। मैं चाहूंगा को आप देखें, ठीक है देखिए आजाद जी वो पोस्टर दिखा रहे हैं, एक बार कहिए तो फुल स्क्रीन उनको दिखा दीजिए ताकि आजाद जी इसको बेहतर तरीके से देख लें। चाहूंगा आप देखें, यहाँ बेरोजगार छात्रों के एक डेलीगेट्स ने मुझे भेजा हुआ है और मैं वहां पे जाऊंगा भी, बाकायदा आप देखिए इस चीज को, आप समझ सकते हैं अगर मैं इसके दिखा दूं, तकरीबन इस अभियान में 15 लोगों ने आत्महत्या कर ली है। चलिए ठीक है सर, ठीक है ठीक है सर, अब देखिए वाजपेयी जी आपका पॉइंट हो गया, भरे हुए हैं सबके पेट भरे हुए, लेकिन जो प्रताड़ित है जो पीड़ित है उससे पूछिए महंगाई कितनी चरम सीमा पे है, बेरोजगारी कितनी चरम सीमा पे है, अनुदेशक बेचारे कैसे कैसे जीवन यापन कर रहे हैं उनसे पूछिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, का भी मान दे आजाद जी, ठीक है आजाद जी आपके पास पहुंच रहा हूँ, शुक्ल जी के पास मैं पहुंच रहा हूँ, शुक्ल जी के पास पहुंच रहा हूँ, शुक्ल जी 2 पॉइंट है मेरे साथ, देखिए वाजपेयी जी की आवाज को थोड़ा डाउन करें आजाद जी की, और मैं सीधे तौर पर देखिए शुक्ल जी आपके पास पहुंच रहा हूँ, और सवाल सर ये कि 2 चीजें अगर हम देखें, एक तो 44 को हम देखें और दूसरा हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, क्या वो दोनों आपस में टकरा रहे हैं, और दूसरा सवाल सर ये कि क्या ये अभी की जरूरत है या हमें जो मौजूदा हालात है पहले उन पर ध्यान देने की जरूरत है? मैं मेरा कहना ये है कि अगर जो है अभिषेक वाजपेयी जी या और सरकारें इससे पहले ध्यान दिए होती तो बीजेपी को ये करने का अवसर क्यों मिलता? इन लोगों को ये काम कर देना चाहिए। देखिए अभिषेक वाजपेयी जी बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश 6 लाख करोड़ रुपए की कर्जदारी है,
तो सत्ता ने तो यह भी आनंद लिया है, क्या यही केवल यही सरकार वर्तमान समय में जो है वही जिम्मेदार है? ये नहीं है जिम्मेदार। सब लोगों ने, सब लोगों की जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी भूल, वो जिम्मेदारी भूल करके समाज में, समाज में जो लोग दबे हैं, पिछड़े हैं, सताए गए हैं, जिनकी जरूरतें नहीं पूरी हो रही है, उनकी तरफ ध्यान दे। जब समान, जब कॉमन सिविल कोड लागू होगा, हर को प्रोटेक्शन मिलेगा, सबको बराबर अपनी बच्चा रखने का स्थित होगी, कोई न्याय से वंचित नहीं रहेगा, सबको न्याय मिलेगा, और सबको अपनी बात कहने का पूरा को जनता से अधिकार होगा। अगर ये वर्तमान सरकार, ये वर्तमान सरकार अगर इस समय में सोच रही है तो ये स्वागत योग्य है, ये भी स्वागत करे उसका। ये मैं किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं कर रहा। नहीं नहीं शुक्ल जी, लेकिन इसमें खुलकर बोला नहीं जा रहा ना, या तो सरकार जिसको लेकर बोलते कि हम बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। सवाल शुक्ल जी मेरा सर ये था, मेरा ये था कि एक तो 44 की हम बात करते हैं जब आर्टिकल की, और दूसरी तरफ मौलिक अधिकार। वाजपेयी जी आ रहा हूँ आपके पास। शुक्ल जी से एक पॉइंट में क्लियर कर लूं पहले, सर एक तो 44 और हमारे जो मौलिक अधिकार है, इन दोनों को अगर देखें तो क्या टकराव नहीं हो रहा? टकराव नहीं हो रहा कि एक तो हमें जीने का, खाने का, हमें पसंद करने का, हमारे धार्मिक अधिकार वो दे रहे हैं, लेकिन एक 44 से जो कह रहा है कि आपको एक नियम में भी रहना है। ये दो चीजें अगर मैं देखूं सर, समझने की कोशिश करूं, क्योंकि बाकी लोग भी समझे इस बात को। शुक्ल जी आवाज मिल रही है आपको? शुक्ल जी तक आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही, मैं फिर से आपके पास पहुंचने की कोशिश करूंगा। वाजपेयी जी कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन उससे पहले शुक्ल जी आवाज मिल रही है? हाँ मिल गई, आगे। ठीक है शुक्ल जी, मेरा सवाल ये था कि आर्टिकल 44 अगर हम देखें, दूसरी तरफ मौलिक अधिकार देखें, तो क्या आपस में टकराव हो रहा है? यूनिफॉर्म सिविल कोड के अगर दृश्य से हम इसको देखें या समझें। देखिए ये दोनों चीजें अलग अलग है, कोई टकराए कि नहीं दोनों चीजें। इसको साफ मनसा तो उसको कानून में जो वैधानिक अधिकार है उसका बिल्कुल क्लियरिफाई करके जो लोगों के सामने रखिए, पूरा इसका बिल बनाइए, लोगों के सामने रखिए, लोग पसंद करेंगे और इसका कोई विरोध नहीं करेंगे, हर आदमी सहयोग करेगा, पहले इसका ड्राफ्ट तो बने, राजनीति नहीं होनी चाहिए इस पर। लेकिन कहा जा रहा है कि एक पक्ष को दबाया जाएगा, एक पक्ष को परेशान किया जाएगा, वहां पर कोई नहीं मौलवियों को देखिए, अब उनको जरूरत नहीं होगी उनकी शादियों में, पंडितों की जरूरत नहीं होगी, इस तरह की बातें एक अफवाह कहीं ना कहीं आप मान लीजिए या कुछ भी कह लीजिए लोगों में है। देखिए जब भी कोई नया कानून बनता है या समाज को उत्थान के लिए जब भी कोई काम होता है तो अपना हित साधने वाले लोग इस तरीके से भ्रांतियां पैदा करते हैं, उसमें किसी को गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है, पहले इंतजार करिए, अगर मजा ना आए तो उसका विरोध करिए। चलिए ठीक, पहले उसको इंतजार करें, आप पहले से हवा पीटने लगे, वास्तविकता आप उसकी समझ नहीं रहे हैं। अरे पहले आप उसको ध्यान दीजिए, पहले वो पूरा ड्राफ्ट बने, किन लोगों के हित का है, किसके विपरीत है, ये सब बिल्कुल ड्राफ्ट में जब आईने की तरफ साफ हो जाएगा, अगर अच्छा है तो उसका वो करिए, नहीं विरोध करिए। चलिए ठीक है आजाद जी, आपके पास हम लोगों के हम लोग भी विरोध करेंगे। चलिए ठीक है सर आजाद जी, मैं आपके पास में पहुंच रहा हूँ। सवाल मेरा है कि ये है कि देरी क्यों आखिरकार लगी और इस पर करना ही चाहिए, तो ये पीछे पीछे क्यों बोला जा रहा है कि देखिए सामने आकर क्यों खुलकर नहीं बोला जा रहा कि हम ठीक है इस पर विचार कर रहे हैं? ये सूत्रों के हवाले से खबर आती है या फिर दबी जुबान में बोलते हुए नजर आते हैं, लेकिन ये खुलकर क्यों नहीं बोला जाता? सेंटर खुद बोल दे, केंद्रीय नेतृत्व बोल दे कि हम इस पर विचार कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, कमेटी बनाएंगे हम। मोहित जी मैं आपके चैनल से बड़ी जिम्मेदारी से ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी फैसला किसी से डर के या किसी के दबाव में कभी नहीं करती है। 370 करना था तो एक बार में कर दिया, राम मंदिर का फैसला भी आया तो एक बार में आया, जो कुछ भी हुआ अभी आप देखिए लाउड स्पीकर को लेकर विपक्ष ने कितना हंगामा खड़ा किया, वो चाहते थे कि उत्तर प्रदेश में दंगा हो जाए, हिंदू मुस्लिम हो जाए, रमजान के पाक महीने को जो है तो इसको जो है पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया जाए, जो पूजा अर्चना हो रही है उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए, बहुत कुछ किया समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर, लेकिन कहीं पर भी उसका कोई असर नहीं दिखाई दिया। और आप देख लें कि लाउड स्पीकर किस तरीके से कम 20,000 से ज्यादा ऐसे पूजा स्थल है जहां पर उन लोगों ने खुद अपनी स्वेच्छा से लाउड स्पीकर की आवाज कम की। आप कह रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या वोटों के लिए नहीं है? यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या वोटों के लिए नहीं है?
यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या 24 के लिए नहीं आ सकते? ये सबसे बड़ी बात है, हम नहीं करते। हम अगर वोट राजनीति करते हम डराने का काम करते समाजवादी पार्टी। हमने कभी वोट की राजनीति, हमने हमेशा देश की बात की, राष्ट्र की बात की। और कभी संप्रदाय को अभी जाते हैं चलने के बाद हम अभिषेक वाजपेयी की पार्टी चलते हैं। ठीक है सर, ठीक है, वाजपेयी जी अपनी बात करें, आखिरी पॉइंट वो रख रहे हैं यहाँ पर। वाजपेयी जी ठीक है, मैं आपके पास पहुंच रहा हूँ। आजाद जी आ रहा हूँ आपके पास। आप वाजपेयी जी अपनी बात रखें सर, और साथ में ये भी कि अगर जब पेश किया जाएगा तो क्या समाजवादी पार्टी साथ खड़ी होगी? कभी नहीं होगी। मोहित जी सबसे पहली चीज तो मैं आदरणीय शुक्ला जी की बात से इस जगह पे बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि जो अभी पॉइंट उन्होंने कहा कि देखिए सबसे पहले चीज तो आदरणीय सुन लीजिए एसएमसी जी, जी सबसे बड़ी चीज की आदरणीय प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि संसद में बाकायदा एक जो जो कमेटी गठित करे, उसके बाद चर्चा करे संपूर्ण विपक्ष के साथ उन पॉइंट्स पे लेकर के, उन पॉइंट्स पे तब जाकर के आगे बात बननी चाहिए कि लोगों कहीं पे भी, जैसा पूर्व में ये आपने देखा कि किसान संबंधी जो कानून थे उनके लिए बिना चर्चा किए हुए इन्होंने पास कर दिया। तो मैं निवेदन करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आने वाले समय पे बाकायदा संसद में एक कमेटी बननी चाहिए, एक ड्राफ्ट होना चाहिए, सारे समूचे विपक्ष से इसको बात करनी चाहिए। बात करने के बाद संपूर्ण लोगों के जो अधिकार क्षेत्र है, मौलिक अधिकार क्षेत्र है, उनके बारे में चर्चा होने के बाद तब इसको अमली जामा आगे पहनाया जाना चाहिए। ठीक है सर, बहुत बहुत अच्छे धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आजाद जी मैं आपके पास में पहुंच रहा हूं। देखिए उन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिए, बहुत सारी बातें कही हैं, उन पर भी बात रखिएगा। और एक सवाल सर मेरा यह है कि खुलकर क्यों ना इसको लेकर बोला जाए, अगर माहौल बनाने की बात है कम से कम इस तरह की अफवाह लोगों में ना पहुंचे। मोहित जी देखिए हर चीज का एक समय होता है जी। और अगर हमारे नेता ने कहा है कि इसको बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है, तो आप यकीन जानिए कि कहीं ना कहीं इस पर काम शुरू हो चुका है और बहुत जल्दी इसका जो है प्रोफार्मा बनकर जब आपके सामने तैयार किया जाएगा तब जनता के सामने पेश किया जाएगा और संसद में इसको पारित कराया जाएगा। बाकायदा इसका कानून बनेगा, उसके बाद हम इसका पालन करेंगे। हमारी पार्टी ऐसी पार्टी है कि जो जनता को विश्वास में लेकर काम करती है, बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक जब तक विचार मंथन नहीं हो जाता तब तक हम कोई फैसला नहीं करते। हम समाजवादी पार्टी की तरह नहीं है कि हम रातों रात कोई फैसला कर दें, चाचा का फैसला कुछ आ जाए, पिताजी का फैसला कुछ आए, हमारा ऐसा कोई नहीं। हमारा राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व में सबसे बड़ा संगठन है। हम कोई भी काम तभी करते हैं जब सबको हम विश्वास में लेकर करते हैं, और जब विश्वास हो जाता है तो उसके बाद हम उसको पेश करते हैं संसद में, राज्यसभा में पास कराते हैं, लोकसभा में पास कराते हैं, उसके बाद उसका इम्प्लीमेंट कराकर उसका पालन कराने का काम करते हैं। क्योंकि ये राष्ट्रहित में बहुत जरूरी है कि एक समान सबको अधिकार दिया जाए, और भारतीय जनता पार्टी उसी चीज का पालन कर रही है, लगातार काम करती चली आ रही है। आज भी आप ऐतिहासिक फैसला, कोई भी मुख्यमंत्री ने आज तक ऐसा फैसला नहीं किया होगा कि उन्होंने अपने अधिकारियों तक से कहा है कि वो अपनी संपत्ति का ब्यौरा जल्द से जल्द मुहैया कराने का काम करें। वो ठीक है, लेकिन मेरा सवाल सर ये, देखिए यहाँ पर वाजपेयी जी ने भी उसको लेकर चिंता व्यक्त की, और इस पर भी शुक्ला जी की भी टिप्पणी लूंगा, लेकिन मैं पहले आपसे समझना चाहता हूँ कि अगर माहौल बनाने की कोशिश हो रही है तो इसको लेकर खुलकर एक तो बोला जाए, और दूसरा कहीं किसान आंदोलन की तरह ना हो कि आप बिल लेकर आए। आप अब तक कहते हो कि बिल बहुत अच्छे थे लेकिन हम कुछ लोगों को समझा नहीं पाए, लेकिन एक माहौल ऐसा बना दिया गया बिल लाने के वक्त में जिसको लेकर धारणा लोगों में गलत बन गई, तो कहीं ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ भी ना हो जाए। नहीं, ये कुछ नहीं है, उसमें भी विपक्ष की साजिश थी, बहुत कुछ उन्होंने किया था, किसानों को उत्तेजित करने का काम किया था विपक्ष के लोगों ने, लेकिन किसान आज समझ गया है। और उत्तर प्रदेश का किसान अगर न हमारे साथ रहता तो हम इतनी प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार न बनाते देर से ही, लेकिन किसानों की समझ में आ गया है और किसान खुद अब चाहते हैं कि वो कानून दोबारा से लागू किया जाए। और हमारी किसानों से लगातार बातचीत चल रही है, उनके नेताओं से बातचीत चल रही, हो सकता है कि कानून को दोबारा से पास किया जाए, दोबारा से जो है तरीके से किसानों के उत्थान के लिए, किसानों के विकास के लिए काम करें। हम कोई भी काम मगर मजबूत हुए। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि कोई भी काम बीजेपी ऐसा नहीं करती है जब तक वो मजबूत ना हो जाए, मजबूत करके आप वो काम करने की बात कह रहे हैं। और शुक्ल जी आपके पास मैं पहुंच रहा हूं सर, और सवाल सर यही है मेरा कि क्या माहौल अभी से बनाने की जरूरत है कि अभी से कम ऐसी प्लानिंग की जाए, लोगों की जो रिव्यूज है, विपक्ष के जो वार पलटवार है उनको समझ लिया जाए और उसके हिसाब से फिर डिजाइन किया जाए ताकि कोई तकनीकी खामी ना रहो। अच्छा, मेरा शमशी जी से कहना यह है कि आपको रोक कौन रहा है ये बिल ले आने से? ये बिल में इसमें कौन सी दिक्कतें हैं? आपके लिए कौन मुसीबत बन रहा है? जब ये बिल आप ईमानदारी से ले आना चाहते हैं तो आप लाइए, लोगों की ओपिनियन अपने पास खुद ही आएगी।
लोग खुद ही तटस्थ होंगे और वाजपेयी जी भी जो है ये भी विश्वास करेंगे, पहले इनको तो पहले ये जान ले कि इस बिल से जो है लोगों का हित क्या है। ना वाजपेयी जी इसलिए वाजपेयी जी तो अभी वाजपेयी जी कि उनके साथ है कि नहीं, वाजपेयी जी अभी बताएंगे जो है, जब इनको कुछ मनसा इनके साथ आएगी तब ये बताएंगे। अभी ये दो राय पे चल रहे हैं ना वाजपेयी जी कि मेरा नुकसान कहां होगा, मेरा फायदा कहां होगा, तो ये अचानक कैसे बता देंगे जो है। ये पार्टी के अपने मुखिया तो है नहीं कि बता देंगे, तो ये अपना जो है एक टेलर तो ये भी मार रहे हैं ना कि अपना जब आएगा तो हम बताएंगे अपने तरीके से। लेकिन मेरा समीक्षण यह है कि शमसी जी, मेरा समीक्षण यह है कि शमसी जी अगर आपको ईमानदारी से ये बिल ले आना है तो इस बिल का स्वागत सभी लोग करेंगे। हम पूरे हिंदुस्तान का वकील जो है इस कॉमन सिविल कोड का बड़ा स्वागत करेगा। लेकिन आप वो ड्राफ्ट पहले तैयार तो करो कि आपकी क्या क्या व्यवस्था है। बिल्कुल, क्या क्या व्यवस्था बतानी पड़ेगी। लेकिन क्या जो कुछ राजनीतिक दल हैं वो क्या चंद वोटों के खातिर या वोट बैंक के खातिर तुष्टिकरण की सियासत की वजह से वो पीछे हटते नजर आते हैं? तो पीछे हटते अगर उनको खामियाजा जनता को तो भुगता देगी। अगर जनता को लगेगा ये मेरे हित का है, इसका ये विरोध कर रहे हैं, इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, इससे समाज का नुकसान है, लोगों का नुकसान है, देश का नुकसान है, आपस में संबंधों का नुकसान है, तो जो राजनीतिक पार्टी इसका विरोध करेगी उसका काम लगा देंगे। ये सब जनता तो सबका काम लगा देगी। अभी तो काम लगाइए ही, अभिषेक वाजपेयी जी सीख चुके हैं, अभी तो लेटेस्ट चुनाव ही जा रहे हैं। चलिए ठीक है, शमसी जी करेंगे तो इनका भी काम लग जाएगा। चलिए आप तंज कस रहे हैं, लेकिन मैं आजाद जी आपके पास मैं पहुंच रहा हूं। आजाद जी समझने की मैं कोशिश करूंगा। देखिए दो तीन चीजें उन्होंने बताई, आप उनकी बातों का जवाब भी दीजिए शुक्ला जी का, और साथ में एक मेरा ये भी कि आपके जो घटक दल हैं यानी कि आपके जो समर्थित दल हैं आपके एनडीए में जो हिस्सेदार हैं, क्या वो लोग इस पर रेडी है, क्या वो लोग तैयार हैं? मैं बिहार का सर मैं कहना चाह रहा हूं, नीतीश कुमार खासतौर पर क्या वो तैयार हैं आपके इस मामले को लेकर, आपके पक्ष में हैं, आपके साथ खड़े हैं? देखिए मोहित जी, बहुत साफ बात यह है कि हम जब राष्ट्रवाद के संबंध में कोई फैसला लेते हैं, जब राष्ट्रहित को ध्यान में रखकर कोई फैसला लेते हैं, तो हम अपने घटक दलों की भी परवाह नहीं करते। हमने सिर्फ ये बताया कि हम सिर्फ और सिर्फ जनता की परवाह करते हैं, देश की परवाह करते हैं। घटक दल के साथ कभी हमने रहकर प्रेशराइज होकर या कभी दबाव में रहकर हमने कोई राजनीति नहीं की है। और ये आपने देखा होगा, चाहे ओम प्रकाश राजभर रहे हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्या हो, बड़े से बड़े नेता आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव में दबाव बनाने की लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमने किसी के दबाव में आकर कोई काम नहीं किया। हमने वही काम किया जो उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है, हमने वही काम किया जो देश की जनता चाहती है। तो हमको घटक दल के साथ पहले हम विचार विमर्श करेंगे, अगर वो हमारे साथ आते हैं तो ठीक है, नहीं तो वो उनकी विचारधारा है, भाई वो चाहेंगे तो हमसे अपना संबंध तोड़ सकते हैं, लेकिन हम वही काम करेंगे जो देश हित में और राष्ट्र हित में हमारे लिए फायदेमंद होगा, जिसका सभी जनता जो है वो समर्थन करेगी, स्वागत करेगी। अभी शुक्ला जी ने बहुत बड़ी बात कही है आपके चैनल पे, आपके सम्मानित चैनल पर, ये कहा है कि उनका पूरे जो है वकील जो है उत्तर प्रदेश के पूरे उनके साथ हैं और वो सरकार के इस फैसले का स्वागत करेंगे। मैं उनका धन्यवाद करता हूं, और बहुत ही गंभीरता के साथ अगर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि बहुत गंभीरता से सरकार इस पर फैसला लेने वाली है और बहुत गंभीरता से इस पर विचार विमर्श कर रहा है, तो आप यकीन जानिए मोहित जी कि बहुत जल्द सरकार जो है इस पर फैसला और कानून लाने का काम। तो लेकिन एक बात वो ये भी कह रहे हैं कि अगर कुछ कमी पेशी होगी तो हम सवाल भी उठाएंगे, हम विरोध भी करेंगे, वो ये भी कह रहे हैं, और साथ में देखिए अगर आप अपने घटक दलों को साथ नहीं ले पाएंगे तो विपक्ष को कैसे साथ ले पाएंगे? नहीं, कमी होगी तो कमी जब होगी तो इनको फैसला, भाई इनको अधिकार है कि उंगली उठा सकते हैं या आपत्ति जता सकते हैं, इनको अधिकार है, ये अपने अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष भी हैं, और नहीं भी होते तो ये नागरिक है, नागरिक होने के नाते भी आप सवाल उठा सकते हैं अगर ऐसी कोई बात होगी, लेकिन हमको पूरा यकीन है और हमको अपने सरकार पर, संगठन पर पूरा यकीन है, शेष नेतृत्व पर पूरा यकीन है कि वो कोई भी काम ऐसा नहीं करेगी जिस पर कोई आपत्ति उठाए और कोई उंगली उठाए, ऐसा काम भारतीय जनता पार्टी। चलिए ठीक है, शुक्ल जी आपके पास मैं पहुंच रहा हूं, आखिरी पड़ाव में हम लोग पहुंच चुके हैं, और आखिरी पड़ाव में आखिरी कमेंट के रूप में मैं आपके पास पहुंच रहा हूं, समझने की कोशिश ये करूंगा कि एक आखिरी सुझाव के रूप में आप क्या देंगे कि अगर बीजेपी कर रही है तो किन बातों का ध्यान रखे, क्योंकि एक वरिष्ठ अधिवक्ता होने के नाते आप क्या सुझाव, आपको क्या चुनौती आप देखते हैं, किस तरह की दिक्कतें लगातार सामने आती हैं, उन तमाम चीजों को आपको क्या लगता है कि इंक्लूड करने की जरूरत है, ऐसी कौन सी समस्याएं हैं? अवश्य है कि ये कॉमन सिविल कोड बिल आने पर तमाम लोगों को जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो कानून में जो
बिल्कुल कानून में जो व्यवस्थाएं दिया था उस व्यवस्थाओं का हूबहू रूप से पालन नहीं किया गया। ये कौन लॉयल्टी होल्डर था जिन लोगों ने जो उनकी मंशा के विपरीत काम किया? उनकी कॉमन सिविल कोड की परंपरा तो शुरुआत से ही थी, संविधान बनाने के समय ही उनकी अपनी व्यवस्था थी कि कॉमन सिविल कोड जिसमें सबको न्याय मिले, समाज में सबको जीने की, अच्छे से आगे बढ़ने का, सबको अपने बाल बच्चों को पढ़ाने का, लिखाने का, समाज में जीने का, एक दूसरे से हिल मिल के रहने की, ये सारी व्यवस्थाएं उस कॉमन सिविल कोड में दी गई थी। लेकिन बाबा साहब के उस इस विचार को लोगों ने आत्मसात नहीं किया, इसको कानून की विसंगतियों से दूर रखा, इसको व्यक्तिगत हित के लिए। अब कौन अपना किसका किसका व्यक्तिगत हित था इससे? अब अगर इस व्यक्तिगत हित को वर्तमान समय में ये सरकार, अगर भाजपा की सरकार ये समझ रही है इस हित को करने से आम जनता का हित होगी तो वो स्वागत ही होगी। ये काम जो अवसर मिला था कांग्रेस को भी तो वो भी उनको भी करना चाहिए था, और पार्टियों को अवसर मिला वो भी करते। अगर ये लोग नहीं किए हैं तो ये सहयोग करें और देखें जो कमी हो, अगर इनको समझ में नहीं आता तो उनको दूर कराने का काम करें। बिल्कुल, ताकि समाज में हर लोगों का फायदा हो सके, देश की उन्नति हो सके, राष्ट्र मजबूत हो सके, भाईचारा बढ़ सके और आपस में मोहब्बत बढ़ सके, जिससे देश समृद्ध हो, मजबूत हो और विश्व के सामने खड़ा होकर के अपनी आवाज रखने में दमदारी महसूस करे। जैसे आज वर्ल्ड लीडर के हाथ नेता जो है हिंदुस्तान की तरफ देख रहे हैं, तो जब और व्यवस्थाएं आंतरिक रूप से मजबूत होगी तो देश और आगे बढ़ेगा। इसमें सबको सहयोग करना चाहिए, इसमें अपना किसी का व्यक्तिगत हित नहीं है। नागरिक खुश है तो देश खुशहाल है, राजनीतिक पार्टियां खुशहाल होगी। ठीक है सर, ठीक है, आजाद जी के पास मैं पहुंच रहा हूं। देखिए सुझाव आपको बहुत सारे उन्होंने दिए, अभिषेक जी भी अपने आखिरी कमेंट के रूप में आपको कह के गए, किस तरीके से आखिरी कमेंट में आप आश्वस्त करेंगे जनता को कि अगर लाया जा रहा है तो एक अच्छा ड्राफ्ट तैयार होगा, किसी को घबराने के डरने की जरूरत नहीं है, किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है, आखिरी कमेंट के रूप में क्या संदेश आपका? संदेश देखिए हमारा ये कि अभी आपने देखा कि कानून आने के पहले विपक्ष किस तरीके से मैदान छोड़कर भाग गया, इसका सबूत आपके चैनल पर है, अभिषेक वाजपेयी जी मैदान छोड़कर भाग गए। तो हम ऐसा मजबूती के साथ काम ही करते हैं कि विपक्ष जो है धराशायी हो जाता है, उसकी कोई भी चाल नहीं चलती है, हमेशा जो है डराने का धमकाने का काम समाजवादी पार्टी जिस तरीके से करती आई है 2012 में, जिस तरीके से किया था और आज भी उत्तर प्रदेश की जनता उसके लिए परेशान है, उसके लिए लगातार ये कह रही है कि हमसे गलती हो गई है और दोबारा वो समाजवादी पार्टी को चुनना नहीं चाह रही है। और उसका आपने यहाँ पर देखा कि बहुत सारे मुद्दे समाजवादी पार्टी ने उठाए लेकिन कोई भी मुद्दा उनका भारतीय जनता पार्टी के सामने टिक नहीं पाया और उनके हाथ से सत्ता जो है बहुत दूर जाती दिख रही है। हम वही काम करेंगे जो देश हित में होगा, हम वही काम करेंगे जो राष्ट्र हित में होगा, चाहे 370 का भी आपने देखा है, ट्रिपल तलाक का भी आपने देखा है, लाउड स्पीकर का मैटर भी आपने देखा है। तो जो भी काम हमने किया है वो हमने यही सोचकर काम किया है उत्तर प्रदेश की जनता और हिंदुस्तान की जनता जो है जिससे फायदा हो सके, हम वही काम करते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आजाद जी अपना कीमती वक्त साझा करने के लिए। शमसी आजाद बीजेपी से हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक वाजपेयी जी जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। गोविंद नारायण शुक्ल जी हमारे साथ जुड़े, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए और आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। हमारी कोशिश ये थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सिर्फ एक चर्चा चल रही है लेकिन इस चर्चा के बीच में विपक्ष इतना हैरान परेशान क्यों नजर आ रहा है, क्यों आप इससे सवाल खड़े करते नजर आ रहा है? लेकिन सवाल यह भी था कि क्या इस वक्त सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है? जो रोजगार को लेकर लोग परेशान हैं, बढ़ती महंगाई को लेकर परेशान हैं, क्या उस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है? लगातार खबरों के लिए देखते रहे R9 न्यूज, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।